राजधानी देहरादून में घर बना रहे लोगों की जेब पर अब और बोझ बढ़ सकता है। बरसात से पहले खनन बंद होने से रेत बजरी के दामों में करीब 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा अक्टूबर में खनन पट्टे शुरू होने थे, लेकिन कोई ठेकेदार इन पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सप्लाई और स्टॉक कम होने से रेत बजरी के दाम और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल देहरादून जिले में प्रशासन ने 6 खनन के पट्टे जारी किए। इन पट्टों पर हमेशा बरसात के शुरू में खनन बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस साल मार्च अप्रैल में ही इन्हें बंद करना शुरू कर दिया गया था। ठेकेदारों का तर्क है कि अब खनन करना मुनाफे का सौदा नहीं रहा, लिहाजा जिले में रेत बजरी की सप्लाई घट गई है। बहुत हद तक यमुना नदी से खनन सामग्री देहरादून में सप्लाई की जा रही है। दूर से माल आने के कारण इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। मई जून में रेत बजरी के दाम जहां 80 से 90 रुपए प्रति क्विंटल थे, वहीं अब अच्छा मटेरियल 115 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास पहुंच गया है।